दोस्तों आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे खतरनाक पुल के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और शायद ही आपने कभी इनका नाम भी सुना होगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नई जगह पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, और ऐसे ही लोगों के लिए चाइना के टियानमेन पहाड़ पर मौजूद है कोइलिंग ड्रैगन ब्रिज, जिसे मौत का पुल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुल जमीन से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर है, वो भी कांच से बनी हुई। लेकिन शुरुआत में ये पुल सिर्फ लकड़ी से बनी हुई थी, पर बाद में इन्हें कांच से बनाया गया ताकि इस पुल को देखकर यहाँ घूमने वाले लोग अट्रैक्ट हो सके, और 2016 में इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जहाँ अब ये टूरिस्ट के घूमने के लिए सबसे खूबसूरत पुल में शामिल है, क्योंकि यहाँ से देखने पर सामने का नजारा ही कुछ और होता है। लेकिन न सिर्फ लोग इस जगह को दूर से देखने आते हैं, बल्कि बहुत से लोग इस पुल से बंजी जंपिंग भी करते हैं। 5 फुट चौड़ी होने के अलावा इस पुल की लंबाई 100 मीटर है। वहीं अगर हम इसके नाम के पीछे का रहस्य देखें, तो ऊपर से देखने पर यह ड्रैगन के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम कोइलिंग ड्रैगन क्लिफ रखा गया है। नंबर 2, लंकावी स्काई ब्रिज। 2004 में पूरा हुआ लंकावी दुनिया का सबसे लंबा पुल है, और ये पुल समुद्र से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर है। साथ ही ये 125 मीटर की घुमावदार पुल है। लेकिन अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें, तो ये सिर्फ 5.9 फीट चौड़ी है, जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि इस ब्रिज को बनाने वाले पीटर वाइस का ये भी कहना है कि हमने इसको ऐसा घुमावदार इसीलिए बनाया ताकि लोग भी जगह के नजारे को और अच्छे से देख सके। लेकिन इस ब्रिज को देखने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर ये पुल बनी कैसे होंगी। तो आपको बता दें कि ये पुल हर सेगमेंट में पहले से ही बन चुकी थी, यानी कौन सा पार्ट किस जगह पर लगना है, ये सारी चीजें पहले से बना ली गई थी। फिर बाद में इसे रशियन कमो हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर ले जाया गया। साथ ही इस पुल को बनाने में $1.2 मिलियन लगे थे, वो भी सिर्फ 1 सालों में पुल बनकर तैयार हो गई थी। नंबर 3, यूं तो दुनिया भर में देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में जनता को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान में दुनिया का सबसे खतरनाक पुल भी है, जिसे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की हुंजा नदी को पार करने के लिए हुसैनी ब्रिज का निर्माण किया था, जिसे वर्तमान में दुनिया का सबसे खतरनाक पुल माना जाता है। दरअसल इस ब्रिज को लोहे की तार और लकड़ी की मदद से बनाया गया है, जो बीते समय के साथ काफी पुराना और कमजोर हो गया है। और ऐसे में अगर कोई आदमी हुंजा नदी को पैदल पार करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करता है, तो यकीनन वो अपनी जान खुद जोखिम में डालता है। साथ ही ये पुल जराबाद और हुसैनी गांव को जोड़ता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान 1960 में जराबाद शिकार करने आए थे, और इसी दौरान उसने ब्रिज बनाने का आदेश दिया था। लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के 8 साल बाद ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। नंबर 4, रॉयल जॉर्ज ब्रिज। यह पुल अरकनसास नदी के 955 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे बनाने में करीब $3.5 लाख खर्च हुए थे, वो भी 1929 में। ये पुल 5 जून से लेकर नवंबर 1929 में बनकर कंप्लीट हुआ था, जिसके डिजाइनर जॉर्ज ई कॉल थे। 1260 फीट लंबी होने के साथ ये 18 फीट चौड़ी भी है, और अगर हम इसके लोडिंग कैपेसिटी की बात करें, तो ये 910 टन का वजन आसानी से झेल लेती है।